हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जो है असीम अरुण हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। असीम अरुण जी, जेएमडी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। लगातार रुझानों को आप देख रहे होंगे, बड़ा अंतर समझ में आ रहा है। एग्जिट पोल की अगर बात करेंगे तो शुरुआती एक तरफा जीत की बात कही जा रही थी बीजेपी की तरफ से, लेकिन रुझानों में कांटे की टक्कर जो है होती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ कहेंगे? पहली बात यह संतुष्टि की प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरा सेवा काल देने का निर्णय जनादेश देश ने दिया है, इसके लिए धन्यवाद भी। और बिना एक पल गवाए हुए विकसित भारत की यात्रा में हम सबको जुट जाना है, जैसा मोदी जी ने कहा, हम लोग को मिलकर करना है। जो आंकड़े अभी आए हैं वो लगभग एक तिहाई वोटों की गिनती के आधार पे है, यानी बल्क दो तिहाई अभी आंकड़े आने बाकी हमारे सामने। मुझे विश्वास है कि जो आंकड़े अभी दिख रहे हैं उससे ज्यादा बेहतर आंकड़े 2-3 घंटे के अंदर होंगे। लेकिन हमेशा की तरह, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे बूथ हो, जिनके वोट हमको नहीं मिले, हम हमेशा समीक्षा करते हैं और हम प्रयास करते हैं कि हम बेहतर विकास करें, हम उनका दिल जीतें, उनका विश्वास जीतें और अगली बार और अच्छा। बिल्कुल असीम जी, लगातार रुझानों को आप देख रहे होंगे और इतने दिनों से तमाम तरह के वादे जनता से किए गए और तमाम तरह की प्रतिक्रिया भी बीजेपी की तरफ से निकल के आई, शुरुआती रुझानों को देखते हैं तो क्या कुछ अंतर समझ में आ रहा है? सीटों की अगर बात करेंगे तो बीजेपी लगभग कितनी सीटों पर इन रुझानों के हिसाब से बढ़त बनाकर चल पाएगी? आंकड़े खूबसूरती है जी। असीम जी देखिए, अगर मुद्दों की बात करते हैं तो यूपी में अगर विकास की बात करेंगे तो डबल इंजन की तरफ से बड़ा विकास जो है देखने को मिलता है। अगर मुद्दों की बात कर लेते हैं तो विपक्ष जो है यूपी की अगर खासकर बात करते हैं तो विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर जैसे मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर हमलावर होता हुआ नजर आया और अंतर जो निकल कर सामने आ रहा है रुझान में वो काफी समझ में आ रहा है। लगभग जो लड़ाई है वो कांटे की समझ में आ रही है, दोपहर का समय है और ये आंकड़ा जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुद्दों की बात करेंगे तो क्या कुछ मुद्दे जो है इस बार लड़ाई में आपके नजरिए से देखने को मिले? तो आज पार्टी के सभी प्रचारकों ने, एनडीए के सभी नेताओं ने जो भावक मुद्दे थे उनसे जनता को दूर किया और सफलता भी उसमें मिली। रही बात आंकड़ों की, अभी इस समय आंकड़ों की बात करी आंकड़ी है और जो मुख्यमंत्री यहाँ पे जनता जी, खासकर जहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ है, जिन सीटों पर अगर कहा जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ से, कन्नौज की बात कर ले, मैनपुरी की बात कर ले, फिरोजाबाद की बात कर ले या फिर आजमगढ़ की बात कर ले, तो यहां पर कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। जो शुरुआती रुझान है उसमें समाजवादी पार्टी जो है बढ़त बनाकर चल रही है और प्रतिक्रिया भी अब निकल कर सामने आने लगी है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि यूपी में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, रुझान है खासकर, अभी जो तस्वीर है वो क्लियर नहीं हुई है, लेकिन विपक्ष की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? विपक्ष अपने संकीर्ण दृष्टिकोण से हमेशा से काम करता रहा है, उन्होंने काफी अपने की रणनीति पर बात किया और बात जो आगे भी कायम रहेगी हमेशा कायम रहेगी। दूसरा, हमने विकास की और परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स की है, उसके बाद लोगों का मन जीतने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं तरीके से आगे बढ़ाते हैं। यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है जी।
बिल्कुल, हमसे जुड़ने के लिए आपका असीम अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद।